देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। लोग क्या लोग सेंटर लोग क्या थैंक यू
यालू क्या लुक सेंटर क्या सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया, भारी मात्रा में लोग आए, आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, क्या है ये जो प्रोग्राम है? ये हमने हमारे जिंदगी के 30 साल इस पे काम किया है और किस तरह से हम ऑप्टिमम हेल्थ, मतलब जिसको हम बोलते हैं बैलेंस हेल्थ, हम प्राप्त कर सकते हैं हमारी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलने से। हमारी जीवन शैली में हम थोड़ा सा परिवर्तन लेके आ जाएं और हम जो आधारभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अगर हम पालन करने लग जाएं तो गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी हम मुक्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को कुछ गंभीर बीमारियाँ होती हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल दवाइयाँ, जिसे आप दवाइयाँ कह सकते हैं, वो हम उन्हें देते हैं। मगर जो जिन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है वो सिर्फ अपनी जीवन शैली को परिवर्तन लाने से उन बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। आधारभूत सिद्धांतों का आपने उल्लेख किया तो हम संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरह से सिद्धांत है जो फॉलो करे आम जनता तो उनको ये बीमारियाँ नहीं। सबसे पहले तो आधारभूत सिद्धांत से हमारा शरीर जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो हमारे हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 70% पानी है और हमारा जो ब्रेन है 80% पानी है, हमारा जो रक्त है, खून है, ब्लड है, ये 94% पानी है, हमारी हड्डियों में 22% पानी है। तो सबसे ज़्यादा हमें पानी पर ध्यान देना होता है, हमें कितना पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, कब नहीं पीना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम पानी पे बताते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं और थोड़ा बहुत क्या उसको लेना चाहिए जिसके कारण उसकी बीमारियों से वो दूर रह सके। तो ये उसके आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिसको वो जान ले। और ऐसे सेमिनारों में हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे सिद्धांत जो हमारे श्रोताओं ने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने हैं ये हम बताते हैं हमारे पर्सनल एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के ऊपर। ये मशीन जो है ये आपके शरीर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि किस किन घटकों से आपका शरीर बना हुआ है, हम सब जानते हैं भारत में रहते हैं तो हम जानते हैं पंचतत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है या मिट्टी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये मशीन हमारे शरीर के अंदर जाकर इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है हमारे शरीर में पूरा चक्कर लगाने के बाद हमारे शरीर में कौन से घटक के अंदर क्या खराबी है ये उसको आइडेंटिफाई करती है और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए ये हमें बता देती है कि उस व्यक्ति का जिसका परीक्षण किया गया है उसको भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में कौन सी बीमारियां थी और कौन सी बीमारियां उसको आ सकती है और है और उसको उससे कैसे दूर किया जा सकता है वो ये मशीन हमें बता देती है। हाँ ये आपको मतलब एज लिमिट से तो नहीं मगर ये बता देता है कि पिछले 5 साल से पिछले आने वाले 5 साल में, क्योंकि हम जनरली अपने आप को 5 साल के उससे संदर्भ से देखते हैं। तो अगर आपको कभी कैंसर हुआ है तो ये बता देगा कि आपको कैंसर था और अगर आपको कैंसर होने वाला है तो बता देगा कि आपको कैंसर होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कैंसर क्या है, कैंसर हमारे शरीर की इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी फॉर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब हमारे शरीर में जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो उसको हमारा बॉडी जिस ढंग से रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को कैंसर कहते हैं। तो जो स्वेलिंग देखते हो, जो पेन देखते हो, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, जला रहे हैं और सड़ा रहे हैं बाय कीमो, ऑपरेशन और रेडिएशन के, क्योंकि वो उसका सही इलाज नहीं है। आप किसी भी जनरल में मेडिकल जो एसोसिएशन है, चाहे वो जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, चाहे वो जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, किसी भी मेडिकल एसोसिएशन के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वो बता देगा कि कीमो से सिर्फ 3.8% सक्सेस मिल रहा है या ऑपरेशन से 4.7% सक्सेस मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर 100 लोगों को कैंसर हो रहा है तो इतना खतरनाक हम पैसा खर्च करके जो इलाज ले रहे हैं उससे मात्र 3 से 4 लोग ही बच पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा जो 3 से 4 लोग बच रहे हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी हैबिट ले ली होगी इसके कारण। तो ये कोई इलाज नहीं है, इलाज क्या है, उसके शरीर में होने वाली जो अस्वाभाविक घटना है
जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको हम मालूम करें तो उसका निदान करें। तो जैसे ही निदान करेंगे कैंसर ठीक हो जाएंगे। मैंने कैंसर को 4 दिन से लेकर 6 महीने तक कई पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है। मेरे यहाँ पेशेंट्स व्हील चेयर पर आए हैं और चल के गए हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई चल के आया और व्हील चेयर पर गया हो, वो व्हील चेयर से आया है और चल के गया। और मतलब कुछ कुछ पेशेंट को तो हमने 5-5 मिनट में भी मतलब उसको रेमेडी होता हुआ। एक ब्रेन ट्यूमर का केस मेरे पास आया था, उसको मैंने मात्र 45 मिनट में तड़प रहा था, 45 मिनट में उसका मैंने तड़प, उसने बोला सर मुझे ऑलमोस्ट 60% रिलीफ है, तो वो पेन भी उसका निकाल दिया। क्योंकि उसके शरीर में इतने ज़्यादा रेडिएशन थे, 24 घंटे फोन, तो मोबाइल के जो रेडिएशन थे उससे उसका पेन जो इतना बढ़ रहा था, तो हमने उसका रेडिएशन हटाया, उसके शरीर से रेडिएशन निकाला। तो उसके लिए जो नेगेटिव किरणें थी, फार इंफ्रारेड थी, उनको निकाला। और पानी भी इसको निकालने में मदद करती है, और इसके लिए स्पेशल उपकरण भी आते हैं जिससे आप इन्हें निकाल सकते हैं। जब निकालते हैं तो उस पेशेंट को उसका फायदा मिलता है। अभी शहर का एक और नाम है जिसको बोलते हैं चित्र नगरी। यहाँ पे गोरी जिंदगी रियल लाइफ और रियल लाइफ। तो बॉलीवुड से वो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज उनकी नॉर्मल लाइफ वो जीते और एक पर्दे पर जीते, तो काफ़ी तकलीफें उनको उठानी पड़ती है। मैक्सिमम चीज़ जितना आज का प्रोग्राम में मैंने सुना, मैक्सिमम चीज़ उन लोगों के साथ में होता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है आपको? देखिए बॉलीवुड के जो लोग हैं, एक्चुअली हम ये समझ लेते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले तक बॉलीवुड सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, मगर आज जो मूवी आ रही हैं, जिस प्रकार की पिक्चरें आ रही हैं, उन पिक्चरों को देख के हम समझ सकते हैं कि बॉलीवुड हमारे समाज को बनाने में, हमारे समाज को सुधारने में अभिन्न अंग बना रहा है। जैसे आप कहीं, मैं किसी का नाम लूँगा तो आपको लगेगा मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी मूवी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी स्टार का नाम नहीं लेना चाहता। और बहुत सारी मूवी आप जानते हैं जो वाकई में एक एक पॉजिटिव संदेश दे रही है हमको, और उन पॉजिटिव संदेश के कारण लोग आज बॉलीवुड को बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो वो हमारे मॉडल हो गए। अब उनकी ज़िंदगी जो है वो लाइट्स एंड मेकअप के अंदर जा रही है, तो वो अपने शरीर का कितना नुकसान कर रहे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कुछ अभिनेताओं अभिनेत्रियों को जिनका मैं फैन था एक ज़माने में, आज उनको मैंने सड़ते हुए देखा है। आज मैं उनको देखूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे वो फैन तो मेरे मॉडल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कितने फूल चुके हैं, कितने उनका जो शरीर है कितना मतलब प्रूफ हो चुका है। तो और उस समय जब उनका शरीर बहुत खूबसूरत था, मेरा शरीर बहुत कुरूप था, आज बहुत उल्टा हो गया है। आज मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि आज मैं बहुत खूबसूरत हो चुका हूँ, और ये खूबसूरती का जो इलाज है ये लाइफस्टाइल चेंज जो मैंने लिया, ये जो कोर्स मैंने किया, ये जो रिसर्च मैंने किया, पिछले 30 सालों की मेहनत, 30 सालों में मैंने अपने आप को इतना जवान और इतना हसीन और खूबसूरत। और आप मुझे आज से 5 साल के बाद देखेंगे, तो अगर आपने मुझे आज से 5 साल पहले देखा होता तो कोई भी मेरी उम्र 25 से 30 साल से ज़्यादा नहीं बता सकता था। और आने पर मैंने पिछले 6 सालों में अपना थोड़ा सा खूबसूरती खोया है, थोड़ा सा हेल्थ खोया है, मगर मैं फिर से प्रतिबद्ध हूँ, और आने वाले 2 से 5 साल में आप मुझे फिर से 25 से 30 साल की उम्र का देख सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम एंड एज फैक्टर, जी हाँ, तो की जो टाइमिंग है वो कितनी जल्दी आप उसको फिल कर सकते हो, मतलब उसको प्रॉपर बना सकते हैं? देखिए सर, अगर आप 10 बजे के बाद सो रहे हैं तो आपकी एजिंग की स्पीड 4 टाइम्स हो जाती है। अगर आप 10 से 4 के बीच में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो आपकी एजिंग 1/4 स्पीड से जाएगी। और अगर आप 10 से 4 जाग रहे हैं तो आपकी एजिंग 1/4 टाइम फास्टर होगी। तो सिर्फ अगर आपने अपने रेस्टिंग का ही टाइम बदल दिया, 10 बजे से 4 बजे के बीच में अगर आप सोने लग गए, तो ही आप अपनी एजिंग को, स्किन को आप मतलब खराब होने से रोक सकते हैं। और अगर उसके साथ अगर आपने सही तरीके से पानी और सही पानी पीना शुरू कर दिया, और कुछ विशेष तत्व जो हम इस मशीन की जांच से मालूम कर लेते हैं कि आपके शरीर में कौन सी कमी हो गई, उदाहरण के लिए अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है और आप बहुत ही फेयरनेस कॉम्प्लेक्शन रखते हो और आप सूरज की रोशनी में जाएंगे तो काले हो जाएंगे, और काले होने से डरेंगे तो आप सूरज की रोशनी में नहीं जाएंगे, तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी आपको हो जाएगी। तो हमें मालूम पड़ गया इस मशीन के जरिए कि आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, और हमने आपको नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन D3 दे दिया। तो वो जो सूरज की गर्मी से आपको जो विटामिन D3 मिलता है वो आपको मिलने लग जाएगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। विटामिन सी कोलाजन फैक्टर को कंट्रोल करता है, विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होता है स्किन को इंटैक्ट करने के लिए।
अब हम डरते हैं विटामिन सी को लेने से, क्योंकि विटामिन सी हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, आंवले से, नींबू से, और हम डरते हैं कि अगर इसको खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। तो जब हमें मालूम पड़ जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये इस विटामिन की या फाइटोन्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कमी है, जो कि मशीन हमें बता देती है, और उसको हम वो सप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो विद इन 4 to 6 weeks के अंदर वो बंदा अपने में चेंज देख सकता है, और 6 months से 1 year में तो वो बहुत चेंज देख सकता है, 2 to 4 years में वो अपनी उम्र आधी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले 2 से 3 सालों में आप मुझे वापस 25 से 30 साल की उम्र का देखने लग जाओगे। मतलब मुझे आश्चर्य और खुशी तब होती है जब 35-40 साल की महिलाएं मुझे बोलती है कि आप तो मेरे बेटे समान हो। सर जैसे कि हम तो इंजीनियर फील्ड में है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है लोगों का स्वास्थ्य के बारे में समाज सेवा करने के लिए, तो हमें ये फील्ड पूरी अच्छी लगी, हम लोगों का सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फील्ड में आ गए, और लोगों के हेल्थ चेक के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही है स्वास्थ्य के विषय में। आज के दिनों में स्वास्थ्य के ऊपर लोगों को बहुत से ढेर सारी परेशानियाँ, उसके ऊपर उन्हें बहुत से पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं, तो हम अपनी इस केवा इंडस्ट्री के माध्यम से हम उन्हें स्वास्थ्य का जो है भरपूर लाभ देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम खर्च में उन्हें अच्छे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की मतलब गारंटी है। हम जिस सभी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो क्या है कि बहुत अच्छा ही सोल्यूशन और बहुत अच्छे रेमेडी उन्हें देती है केवा इंडस्ट्रीज, और प्रिंस ऑफ पीस के माध्यम से हम केवा इंडस्ट्रीज के साथ लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं हेल्थ के लिए, वेरियस प्रकार के जो जितने भी डायग्नोसिस है, 32 प्रकार के बीमारियों के ऊपर हम ये जो फ्री चेकअप किए हैं, और उनके तकलीफों बीमारी के अनुसार जो है हमने एक सोल्यूशन देंगे, और जो सोल्यूशन बहुत ही इकोनॉमिक है, जो कि वो हर कॉमन आदमी जो है उसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आज के मेडिकल के बिल देखेंगे तो बहुत ढेर सारी बिल हो जाती है जो आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारे पास जो एक इवेंट इंडस्ट्री जो हर्बल प्रोडक्ट है उनका, कि हर्बल से हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% और हलाल सर्टिफाइड है, वेरियस सर्टिफिकेशन है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस माध्यम से हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर हम स्वास्थ्य के माध्यम से रखकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर तो हम नहीं है, डॉक्टर तो हम अपनी फैमिली की वजह से बने, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी 3 साल की जो थी तो बाई बर्थ ही उसका किडनी का, उसका दोनों का एक किडनी पूरा खराब हो चुका था। उसके बाद से सब जगह में डॉक्टर जितने टॉप डॉक्टर है मेडिकल के, जितने बॉम्बे के टॉप हॉस्पिटल जितने हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, सब लोगों ने यही किया कि अभी इस बच्चे को अगर बचाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। फिर उससे मैंने बोला कि ये तो इसमें लाइफ क्या है, अगर मैंने हम ट्रांसप्लांट अगर करते हैं तो उसमें लाइफ कितनी बचेगी, बोले कि 0.3%। बोले 0.3% के लिए हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं 3 साल बच्चे के लिए। और दूसरी चीज, जब किडनी का, जब एज के हिसाब से किडनी का जो मैचिंग होता है वैरी होता रहता है, तो उस वैरी की वजह से आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हमने वो डिसीजन हमने वो किया। और फिर हमने होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर भट्टाचार्य, उनके पास गए और उनका सब केस बताया, तो जितने टेस्ट हुए थे वो सारे टेस्ट को उन्होंने देखा, बोला कि मैं इस केस को हाथ नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद से मैंने गॉड को प्रे किया और हमने होम्योपैथी के रेमेडी कितने होते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, और बुक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे मैंने उसको एक पैकेज बनाया जो किडनी के लिए होता है, और उस किडनी के मैं अपनी बेटी को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने वो दवा देना शुरू किया, और 6 साल के बाद से काफी सुधार होने लगने लगा। आज मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई है जो पूरा प्रोग्राम अपना कर रही है, आज देखिए उसके और चेकअप भी हुआ, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले इस बेटी के चेकअप किए, और चेकअप करने के बाद उसका सब कुछ नॉर्मल है, 100% नॉर्मल। तो ये मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि हमने अगर डॉक्टर के पास अगर हम गए रहते तो शायद मैं अपनी बेटी को खो चुका होता, लेकिन मैंने डिसीजन एक लिया बहुत मैंने डेयरिंग, उसको बोल सकते हैं कि उस अवस्था में जो डॉक्टर जब बोल रहा है हमको
कि नहीं आपको जब तक ऑपरेशन नहीं कराओगे तब तक वो नहीं बचेगी, और फिर भी मैंने किसी की बात न सुनकर, डॉक्टर की बात न सुनकर, मैंने अपनी बात को सुना, गॉड को प्रे किया, गॉड आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि मेरी बच्ची भी बच सके, और आज बच्ची मेरी स्वस्थ है और अच्छे पढ़ाई कर रही है। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हेटिंग पर वीडियो सहित पूरी और हमारे जी न्यूज हेटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।